फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले खबरें पाने के लिए। ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ से इस फेस्टिव सीजन में शुरू किए गए सेल में गैजेट मार्केट की चांदी चांदी नजर आई। इन सेल में खास तौर पर मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने बहुत ही जोर शोर से अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट दिए। चाइनीज हैंडसेट मेकर शाओमी ने शनिवार को घोषणा की कि उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल को हासिल करते हुए फेस्टिव सीजन सेल के दौरान भारत में 53 लाख डिवाइस बेचे। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने इस बात की घोषणा की कंपनी ने प्रत्येक मिनट में 525 डिवाइस बेचे। शाओमी इंडिया के हेड ऑफ कैटेगरी एंड ऑनलाइन सेल रघु रेड्डी ने बयान में कहा, शाओमी के लिए यह फेस्टिव सीजन बेहतरीन रहा और हम यह देखकर रोमांचित हैं कि 53 लाख लोगों ने हमारे साथ जश्न मनाने का फैसला किया। प्रत्येक वर्ष अपने ग्राहकों के लिए और भी आकर्षण और बेहतरीन ऑफर वाली सेल लाने का प्रयत्न करेंगे। इंडिया में जिस समय फ्लिपकार्ट पर रेडमी नोट 7 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बना हुआ था, उसी वक्त शाओमी ने 38 लाख स्मार्टफोन बेचे। इसी के साथ शाओमी भी अमेज़न पर बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड बना। शाओमी के डिवाइस में स्मार्टफोन, एमआई टीवी, एमआई बैंड, एमआई पावर बैंक, एमआई एयरफोन और दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं। इन सभी डिवाइसों की बिक्री MI.com और इसके पार्टनर प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेज़न इत्यादि इन सब पे हुई। पिछले साल शाओमी ने इस समय 25 लाख स्मार्टफोन बेचे थे और 50% से अधिक ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले खबरें पाने के लिए।